नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। कोतवाली धौरहरा के अंतर्गत ग्राम चहलुआ में कुमारी गोल्डी पुत्र कालिका प्रसाद उम्र 16 वर्ष जो अपने मौसा रोशनलाल पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम नैनापुर जा रही थी, तभी रास्ते में विपक्षीगढ़ अखिलेश पुत्र हरिनारायण यादव, राजकुमार यादव पुत्र मोहन यादव, सुनील उर्फ बीरबल पुत्र शंकर दयाल निवासी चहलुआ थाना धौरहरा जिला खीरी व बालक राम यादव पुत्र ब्रह्मादीन यादव आदि लोगों ने बहला फुसला कर अपहरण कर लिया था। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना धौरहरा जनपद खीरी में अंकित कराई गई थी, किंतु स्थानीय पुलिस धौरहरा द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही हर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उचित न्याय न मिलने के कारण पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित व्यक्ति का यह भी कहना है कि विपक्षीगढ़ काफी दबंग और गुंडे किस्म के हैं और खुलेआम ऐलानिया धमकी देते हैं कि जान से तुम्हें मार देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे और यदि मेरी पुत्री को विपक्षी लोग जान से मार देते हैं या कोई घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार धौरहरा पुलिस प्रशासन होगा। इस घटना को से स्पष्ट होता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा महिला सशक्तिकरण अभियान को धौरहरा पुलिस जमकर उड़ा रही है धज्जियां। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार में इस पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय मिलता है या नहीं, या फिर यूं ही पुलिस प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने रहेंगे। इस संदर्भ में आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज कराया था तो उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ, वो रिपोर्ट उनके तरफ से जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं, हमारी कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है मदद? वो जो है अधिकारी सर, पुलिस। अच्छा, पुलिस। तो अभी तक आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। हम चाहते हैं वो लोग बंद हो जाएं, हमको धमकाते डरवाते हैं जी, और हमारी लड़की मिल जाए, वो सब हमसे कोई जरूरी नहीं। अच्छा, वो लोग कैसे आदमी हैं? वो बहुत गुंडा टाइप के हैं। और क्या कहते हैं? सब यादव पार्टी है। और क्या कहते हैं? और बहुत हड़काते डरवाते हैं, 8 दिन हो गए हैं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उन लोगों का क्या क्या नाम है? उनका नाम है बालक राम, अखिलेश और रामपुर नेता और राम सिंह अर्जुन। ये क्या कहते हैं आपसे ये लोग? ये लोग हमको धमकाते डरवाते हैं जी, औजार सब घर ही रखते हैं और ये बहुत गुंडा टाइप के आदमी हैं, बहुत धमकी देते हैं, जान से मारने की संभावना है, कहते कुछ करो तो। सब पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं? कर तो रही, इनके हमारा कुछ मदद नहीं कर रही, कोई मदद नहीं कर रही। अच्छा, हमारी मदद कुछ दिखाए तो हम कुछ करें। कितने बार थाने हम जाने, हम कहा हो ही रहा है, कितने बार गए हैं थाने? हम थाने लग कई चक्कर गए, हम 3-4 चक्कर गए, सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही, 8 दिन हो गए कोई सुनवाई अब तक तो गिरी। हमसे कहा थी कि तुम ढूंढी बताओ, हम कहाँ ढूंढी बताइए, हम कहाँ पता लगेगा, वही नहीं पता लगाते हैं तो हम लगेगा। और रामपुर नेता बालक राम, अर्जुन, बीरबल, राम सिंह, इतने हमारी लड़की को अपहार किडनेप किया है, ले करके चीहे चले गए हैं और मार दी जाएगी तो धौरहरा पुलिस पर जिम्मेदार होगी। क्या नाम है आपका? हल्का प्रसाद। कहाँ रहते हैं? चहलुआ। क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारी लड़की अपहरण करके लिए चले गए अखिलेश और रामकुर नेता जी, बीरबल, अर्जुन जी, और वो जो है अरे कहते राम सिंह और बालक राम। तो इसके संदर्भ में आपने एप्लीकेशन दिया था थाने में? हाँ दिया था। तो वहाँ रिपोर्ट लिखी गई थी? लिखी गई। तो गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी उन लोगों? गिरफ्तारी नहीं भाई। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि ढूंढ दीवे निकल कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। और आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया था? और एसपी लखीमपुर से दिया। एसपी किया लखीमपुर? अच्छा, ये लोग अपहरण किए, कितने दिन हो गया? 8 दिन हो गए हैं जी। 8 दिन? 21 तारीख में गायब हुई थी जी। अच्छा, कौन कौन अपहरण किया, क्या क्या नाम है उन लोगों का? वो जो है अखिलेश यादव हरिनारायण के पुत्र, रामपुर नेता और राम सिंह, बालक राम और बीरबल और जी अर्जुन
और दो लोगों ने पहचान नहीं पाए। दो लोग अज्ञात हैं। अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारी लड़की मिल जाए हमको। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।